अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज नए दिन नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और आज के व्लॉग में जी मैं नाइट टू नेक्स्ट मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर चैनल हो गया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बरवक्त मिलती रहे। आज ही मैंने रात के खाने में बनाई थी मैक्रोनी, जिसके लिए आप देख सकते हैं मैंने 1 kg मैक्रोनी ली है, चिकन लिया है और ये जी मैंने ली है टमाटो पेस्ट जो फ्रीज़ करके मैंने रखी हुई थी, पीज़ हैं, कैरेट है और बंद गोभी है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मेरे बच्चे ज़्यादा वेजिटेबल पसंद नहीं करते मैक्रोनी में, इसलिए मैंने कम डाली है। अब ये 2 स्पून मैंने ऑयल में, कम ज़्यादा ऑयल भी आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें मैंने 2 स्पून लहसुन अदरक का दरदरा पेस्ट डाला है। अब ये जब इसमें प्यारा सा कलर आया तो ये मैंने इसके लहसुन के जो चिकन सॉरी क्यूब्स बना के रखे हुए थे पेस्ट के, ये डाल दिए हैं। ये मेल्ट होने के तक हमने वेट किया। जब इनमें प्यारा सा कलर आया तो ये टमाटो पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उधर मैंने मैक्रोनी के लिए पानी जो है वो रख दिया है। पानी में जब उबाल आया तो मैंने मैक्रोनी इसमें शामिल की। इधर साथ मैंने इसमें थोड़ा ऑयल भी डाला और 1-2 स्पून मैंने इसमें 1-2 स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला। इधर ये हमारी जो पेस्ट जो मेल्ट हो गई तो फिर मैंने 2 स्पून इसमें ब्लैक पेपर डाली है और 1-2 स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला और 1 स्पून ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर भी डाला था। मैं आपको बताती चलूँ, अब जी हमने इसको अच्छे से करना है कुक। कुक करने के बाद ही फिर हमने इसमें चिकन डाले, पीस डाले, क्योंकि इनको थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगता है। तो बस इसको हमने लगाया दम लो फ्लेम करके। इधर हमारी मैक्रोनी जो थी वो हो चुकी थी बॉयल। अब ये जी हमारे पीस और चिकन भी अच्छे से हो चुका था कुक। अब हमने इसमें डाली है बंद गोभी और बंद गोभी जी हमने इसको ज़्यादा नहीं कुक करना। ये थी कैरेट थी कद्दूकश की थोड़ी सी और बस। ज़्यादा मैंने वेजिटेबल मैंने आपको बताया ना मेरे बच्चों को पसंद नहीं है मैक्रोनी में, इसलिए मैंने कम डाली हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने बस बंद गोभी को थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना है। इधर जी मैंने इसको छलने से छान लिया था मैक्रोनी को बॉयल करने के बाद। तो बस जी अब ये अच्छे से हो गई है कुक। तो फिर मैंने इसमें 4 स्पून डाला है सोया सॉस और 4 स्पून ही मैंने इसमें डाला है सिरका। डालने के बाद जी एक 1-2 मिनट मैंने इसको कुक किया। उसके बाद मैक्रोनी इसमें शामिल की बॉयल्ड और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी और लो फ्लेम करके इसको 4 से 5 मिनट लगाऊंगी दम, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इसके अंदर मैक्रोनी के अंदर रच बस जाए। बस मैक्रोनी को मैंने लो फ्लेम करके दम लगा के अब जी मैं ये पास ही हमारे घर के मार्केट है यहाँ से जी मैंने लेना था बच्ची का यूनिफॉर्म अपनी का और उस बेटे के साथ फिर मैं गई ये जो यूनिफॉर्म वाली शॉप थी इसके ऊपर और यहाँ से जी फिर मैंने उसका जो यूनिफॉर्म था वो बाय किया। बस जी यूनिफॉर्म लेने के बाद हम लोग फिर घर आए वापस। इशा का टाइम था और बच्चे मैक्रोनी वगैरह इंजॉय कर चुके थे। तो बस फिर आते साथ ही जी मैंने फिर इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद जी फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ते के लिए जी मैंने आटा वगैरह गूंदा और उसके बाद जी फिर मैंने जो खाने के रात के खाने के बर्तन थे वो वॉश किए, किचन की क्लीनिंग वगैरह की। जी हाँ, यह है नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग टाइम। फजर की नमाज़ के बाद जी मैं आ चुकी हूँ किचन में। इस वक्त जी किचन में बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ पराठे और साथ जी कल के दिन के कोफ्ते पड़े हुए थे। कल दिन के खाने में मैंने कोफ्ते बनाए थे, शाम को जी मैंने बना ली थी मैक्रोनी। तो बस बच्चों ने जी बोला कि वो जो कोफ्ते बचे पड़े हैं हम उन्हीं से नाश्ता करेंगे। साथ मैंने चाय रख दी है और साथ साथ जी मेरे जो हैं पराठे बन रहे हैं। अच्छा, कल एक सिस्टर की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और मुझे लगा जैसे वो हमारी बचपन की स्टोरी जो है वो सुना रही हैं। और मैं हम लोग भी 5 थी और एक भाई था हमारा और हमारे साथ जो दूसरे चचा रहते थे और उनके माशाल्लाह से 7 बेटे थे।
और एक की हर बात में डेथ हो गई, अभी 6,000 हैं और वो बिल्कुल हमें अपने भाई की तरह अजीज़ हैं और उनका वो हमारे हाथों में पले बड़े हैं। और वो जब पैदा होते थे ना तो दादों को चच्ची को लोग मुबारकबाद दे रहे आते थे, आके पीछे से फैमिली वाले चच्ची को कहते थे आप बहुत खुशकिस्मत हैं, दादों को कहते थे कि आपकी जो दवाएँ रंग लाई हैं माशाल्लाह, चचा का नाम लेके कि अल्लाह ने उसको जो है ना बेटों से जो है ना रंग दिया है। हम सोचते थे कि यार हम लोग इसका मतलब है हम किस्मत वाली नहीं हैं, हमारा खलूता खलूता अकेला अकेला भाई है और दादू जी सिर्फ चचा को ही दवाएँ देती हैं, चचा ही ज़्यादा दादू को अजीज़ हैं। तो मुझे आज भी याद है कि जब उनका 7वां बेटा हुआ तो मैं जाके दादू से लड़ पड़ी, मैंने कहा दादू आपने सारी दवाएँ चचा को ही दे दी हैं, अबू को भी दवाएँ दे दी ना कि अल्लाह हमारा भी अकेला भाई है एक और अल्लाह भाई हमें दे देता। तो दाई दादू जो है वो रोने लग गई, कहती हैं कि आपको क्या पता कि मैं दवाएँ नहीं करती, मेरे लिए तो सारे बच्चे एक जैसे हैं। तो वो चीज़ें जो है ना वो मैं आज भी याद करती हूँ। देखिए ये जो सोसाइटी है ना, औलाद तो औलाद होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप के लिए दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन जो सोसाइटी है ना ये लोग बातें आगे पीछे से जब हम सुनते हैं ना तो दिल को बड़ा छोटा कर लेते हैं। अब टाइम बहुत आगे जा चुका है और मेरी वो सिस्टर जो ये बातें दिल पर ले लेती हैं, ये दिल पे मत लें, दिल को बड़ा करें, असीना तान के जी जिंदगी को जीना सीखें। तो बस जी ये थी मेरी सुबह की रूटीन, बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं, नाश्ता हो चुका है, बच्चों को मैंने रात की मेहमान ही जी लंच बॉक्सेस में डाल के दी है लंच के लिए। तो बस जी ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन और ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह नेगीबान। Thank you.